हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। अगर वीडियो आपके समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए राउंडर, जिसे कंपास भी बोलते हैं, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन, ड्रॉ द प्लान एंड एलिवेशन ऑफ अ स्क्वायर प्रिज्म विद इट्स लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हिंदी प्रश्न, जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ऐसे चौकोर प्रिज्म वर्गाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप प्लान और उदय विक्षेप एलिवेशन निकालिए। मराठी प्रश्न, ज्याची लांबी व रुंदी सारखी 4 सेंटीमीटर व उंची 6 सेंटीमीटर आहे, अशा समचतुष्कोणाकृती घनाचा अनुविक्षेप प्लॅन व उदविक्षेप इलिव्हेशन काढा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक स्क्वेयर निकालना है, जो स्क्वायर 4 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई वाला होगा। यहां पर एक रफ लाइन लेना है और उस पर 4 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक लाइन लेना है। इस प्रकार से इसे नाम देना है ए बी, यहां पर लिखना है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद राउंडर लेना है, कंपास लेना है, कंपास का स्टील वाला पॉइंट ए पर रखना है और यहां पर एक हाफ सर्कल बनाना है। इस प्रकार से ये पॉइंट से हमें एक 90 डिग्री वाला एंगल बनाना है। यहां पर इस हाफ सर्कल ने ए बी लाइन को यहां पर और यहां पर क्रॉस किया है, वहां पर पॉइंट लेना है, पॉइंट को डार्क करना है। ये दो पॉइंट है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। फर्स्ट वाले पॉइंट पर मैंने स्टील वाला कंपास का पॉइंट रखा है और यहां पर ए से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कंपास में लेके एक ये डिस्टेंस हमें अप्रोक्सीमेटली लेना है। ऊपर वाले भाग पर एक आर्क बनाया है, उसी डिस्टेंस से दूसरे वाले पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। यहां पर दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं, वहां पर पॉइंट लेना है और उस पॉइंट को और ए पॉइंट को जोड़ना है। जोड़ते समय जो रफ लाइन आएगा वो ऊपर तक जाएगा। इस प्रकार से बच्चों, अब कंपास में ए बी जितना डिस्टेंस लेना है और यहां पर इस परपेंडिकुलर पर एक आर्क बनाना है। आर्क ने इस परपेंडिकुलर को जहां पर क्रॉस किया है वहां पर नाम देना है डी। अब डी पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर राइट साइड को एक आर्क बनाना है। इस प्रकार से उसी डिस्टेंस से बी पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए, वहां पर पॉइंट मिला है, उस पॉइंट को नाम देना है सी। बच्चों, अब सी और बी को जोड़ना है। यहां पर सी और डी को जोड़ना है, ये पॉइंट हमें जोड़ने हैं।
ए और डी जोड़ना। यहां पर ए बी सी डी 4 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई वाला स्क्वायर तैयार हो गया है। उसके बाद राउंडर में कंपास में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है इस प्रकार से, और डी के ऊपर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर ये जो परपेंडिकुलर है वहां पर आर्क बनाना है। उसी प्रकार से सी पर कंपास वाला स्टील वाला पॉइंट रखकर यहां पर आर्क बनाना है। ये दोनों आर्क बन गए, इन्हें लाइन से जोड़ना है इस प्रकार से। उसके बाद जो बीसी जो लाइन है इसे हमें सीधा ऊपर तक लेके जाना है। यहां पर ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हमें मिला है और बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर मिला है। दोनों परपेंडिकुलर इस लाइन को यहां पर क्रॉस कर गए हैं। वहां पर हमें पॉइंट लेकर नाम देना है इस प्रकार से, यहां ई और यहां एफ ऐसा नाम देना है इस प्रकार से। अब हमें कंपास लेना है, कंपास का स्टील वाला पॉइंट एफ पर रखना है और सी इतना उसमें डिस्टेंस लेना है और एक आर्क बनाना है राइट साइड को। इस प्रकार से एफ पर रखकर बी इतना डिस्टेंस लेना है और दूसरा आर्क बनाना है इस प्रकार से। बच्चों सॉलिड ज्योमेट्री में आपको मेरे बुक में सिलेबस में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। हर साल उस 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है, इसलिए आपको इन्हीं 6 क्वेश्चन का प्रिपरेशन अच्छी तरह करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क लेने के लिए ये जरूरी है। यहाँ पर हमने जो आर्क बनाया है, इन आर्क ने यहाँ पॉइंट लिया है, यहाँ पर पॉइंट लिया है, इन दोनों आर्क की वजह से यहाँ दो पॉइंट मिले हैं, उनको नाम देना है। इसको नाम देना है पी और इसको नाम देना है क्यू। उसके बाद जिस तरह हमने ए पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर बनाया 90 डिग्री का एंगल बनाया, उसी प्रकार से इन एफ पी और क्यू इन तीन पॉइंट में हमें आर्क बनाने हैं। यहाँ पर हर हाफ सर्कल लेना है इस प्रकार से, पी पर हाफ सर्कल लेना है इस प्रकार से और क्यू पर एक हाफ सर्कल लेना है। हाफ सर्कल बनाने के लिए जो मैंने डिस्टेंस लिया है वो अप्रोक्सीमेटली लिया है। अब यहाँ पर जैसे हमने प्रोसेस किया उसी प्रोसेस का यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर ये पॉइंट पर मैंने कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर आपसे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में अप्रोक्सीमेटली लेकर ऊपर वाले हिस्से पर एक आर्क बनाया, उसी डिस्टेंस से उस आर्क पर दूसरे वाले पॉइंट से एक क्या बनाया, आर्क बनाया। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए, वहाँ पर पॉइंट लिया है और उस पॉइंट को और एफ पॉइंट को मैंने लाइन से जोड़ा है इस प्रकार से। यही सेम प्रोसेस यहां पर होगा इस प्रकार से, पॉइंट क्लियर करना है, स्पष्ट करना है और उसके बाद ये इनको अच्छी तरह से प्रॉपरली जोड़ना है इस प्रकार से। उसके बाद क्वेश्चन में हमें जो स्क्वायर प्रिज्म का जो हाइट दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए कंपास में 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है इस प्रकार से और
ई, इस पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर इस परपेंडिकुलर पर एक आर्क बनाना है। उसी प्रकार से यप यप में से, पी से और क्यू से, इन चार पॉइंट से हमने चार आर्क बनाए। पी क्यू यहाँ पर पॉइंट लेना है, इसे नाम देना है आर। यहाँ पर पॉइंट लेना है, इसे नाम देना है यस। ई एफ यहाँ पर नाम देना है जी, और यहाँ पे नाम देना है यच। अब देखो बच्चों, यहाँ पर रेक्टेंगल खड़ा हुआ है, रेक्टेंगल हमें निकालना है, तो जो लाइन है उसे हमें डार्क करना है, एक जैसा डार्क करना है, क्लियर करना है, फाइनल करना है। अच्छी तरह से इसे जोड़ना है इस प्रकार से। ये हमारा प्लान हो गया और ये दो इलेवेशन हो गए हैं क्वेश्चन में दिए गए अनुसार। तो बच्चों यहां पर हमें लिखना है, यहां पर लिखना है प्लान और यहां पर लिखना है इलेवेशन। यहां भी लिखना है इलेवेशन, ये लिखना भूलना नहीं है। नहीं लिखा तो आपके मार्क जाएंगे, मार्क कम मिलेगी। उसके बाद ये जो इलेवेशन है इसको आर्क बनाने है और लिखना है फ्रंट से। ये व्यू कैसा है, फ्रंट व्यू, और ये व्यू कैसा है, साइड व्यू, और ये जो टॉप व्यू है यहाँ पर लिखना है फ्रॉम अबाव, ऊपर से। ये कैसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा। और यहाँ पर लिखना है, इसका नाम लिखना है हमें, ये नाम भी लिखना भूलना नहीं है, स्क्वायर प्रिज्म। और यहाँ पर आपके आंसर पेपर में जहाँ पर जगह सिलक है, बाकी है, वहाँ पर इसका एक छोटा सा ड्राइंग करना है, आकृति निकालना है इस प्रकार से। देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ये निकालना जरूरी है, नहीं निकाला तो आपके मार्क कम हो गए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में इसकी जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर दी थी, इसलिए यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, और जो हाइट है वो हमें मिली थी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर लिखना है हाइट। इस प्रकार से इसकी एक छोटी आकृति निकालना है और यहाँ पर इसका नाम भी देना है। बच्चों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन 6 क्वेश्चन का बार बार हमें प्रैक्टिस करना है। इस प्रैक्टिस से फाइनल पेपर में हमें दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों आज का ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे सेकंड क्वेश्चन में। थैंक यू।